शीट नंबर 30, लैंप 100 वॉट का है, वी आपको गिवन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड यहां पर करंट लिख दो, करंट। तो रूल नंबर 1, पी गिवन है, वी गिवन है, तो यहां से करंट आ जाएगा, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, से करंट कैन बी कैलकुलेटेड। उसी तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर बाय पी, तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड है, करेक्शन कर लेना, हीट कैपेसिटी नहीं है, करंट है, ठीक है यहां तक। दूसरे क्वेश्चन में पेन को हाथ भी नहीं लगाना, ये तो एम ही कर रखा है। कैसे, 60 वॉट का बल्ब 220 वोल्ट पे है, 100 वॉट का 220 वोल्ट पे है, तो ये रेटिंग है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्वेश्चन है विच बल्ब विल डिसिपेट मोर पावर, सीरीज में एक 60 है एक 100 वॉट है, किसकी पावर ज्यादा आएगी सीरीज में, छोटे बल्ब की, 60 वॉट इज द आंसर, मैंने रीजन दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है कौन ज्यादा ग्लो करेगा, छोटे वाला 60 वॉट का, तो सॉल्व क्या करना पता ही है, तो ठीक है शॉर्टकट लगा दिया। नेक्स्ट है मोर पावर, जो ज्यादा ग्लो करेगा, सीरीज में पावर चेंज हो जाती है, उसकी ज्यादा पावर होती है, तो छोटे वाले आंसर दिया मैंने, 60 वॉट बोला। अब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक हीटर और बल्ब है, क्या रेटिंग है, 500 वॉट 220 पे चलता है और 100 वॉट 220 पे चलता है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब वो कह रहे हैं पावर बताओ हीटर में और बल्ब में क्या होगी, रूल नंबर 1, सबसे पहले इनकी रेटिंग देख के क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस। तो आपने इन दोनों को सीरीज में लगा दिया R1 R2 को, अब वो क्या कह रहे हैं इसकी नई पावर निकालो, नई पावर क्या होगी, नया करंट आएगा, I निकाल लोगे, I is equal to 220 divided by R1 plus R2, तो नई पावर क्या आएगी, I square into R1, इसमें क्या आएगी, I square into R2, तो सीरीज में पावर चेंज हो जाती है, सीरीज के अंदर पावर 500-100 नहीं रहती, सीरीज में पावर चेंज हो जाती है। इस क्वेश्चन में पावर लाइन ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पीयर, हाउ मच एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट पर डे इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइन, रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, समय पता है 24 घंटे, हीट क्या होगा, आई स्क्वायर आरटी आंसर। ये क्वेश्चन होमवर्क लिखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपको डायग्राम गिवन है, आपको बताना है कि इसमें 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 पावर डिसिपेटेड क्या होगी, इस टाइप की प्रॉब्लम एनसीईआरटी के लिए बहुत फेमस है। आप बस मुझे ये बताओ क्या आप इसमें करंट निकाल सकते हैं हर ब्रांच में, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल और इसके साथ इन सीरीज, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, टोटल करंट फिर डिवाइड करके I1 I2 I3, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, हीट का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम गिवन है, इसमें क्या होगा I2 RT, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा I2 RT, इसमें क्या लगेगा I2 RT, भाई I सबका डिफरेंट है निकाल लेना, रेजिस्टेंस सबकी पता है और टाइम सबका 5 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई करके हीट्स आ जाएंगे। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में तो कम से कम 4-5 बार तो मैंने इसको आता देखा ही है, कम से कम मेंस के अंदर भी है, मुझे पता नहीं शायद प्राइम पेपर में मिल जाए, 2 बार आया हुआ है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस फंस ही जाता है कभी ना कभी, यही फंसता है हीटिंग इफेक्ट में। क्या एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसकी 2 कॉइल्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल में 2 कॉइल्स हैं,
अगर मैं कॉइल वन को ऑन करता हूं, कॉइल मतलब रेजिस्टेंस आर वन लेता हूं, तो पानी गर्म करने में 5 मिनट लगते हैं। अगर मैं कॉइल टू को ऑन करता हूं, वन को ऑन नहीं करता, तो पानी को गर्म करने में 10 मिनट लगते हैं। अगर मैं दोनों को ऑन कर देता हूं तो पानी को गर्म करने में कितना समय लगेगा ये बताओ। पहली चीज जो कॉमन है केस नंबर वन में, केस नंबर टू में और थ्री में, जब रेजिस्टेंस आर वन ऑन की थी, जब रेजिस्टेंस आर टू ऑन की थी, और फिर आर वन और आर टू, आर वन प्लस आर टू सीरीज में ऑन की थी, पहली चीज कॉमन है वो सॉकेट जिसमें आप केटल लगा रहे हो। वी तीनों में सेम है, वी वी वी। पानी कहता है देखो ऐसा है, तुम देखो ये कॉइल कौन सी ऑन है, मेरे को गर्म होने के लिए 100 डिग्री के लिए हीट क्यू चाहिए, तो क्यू 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 तीनों में सेम है। पानी गर्म करने क्यू चाहिए तो चाहिए, एक कॉइल से दो, चाहे दो से चाहे तीन से, तो क्यू भी सेम है और वी भी सेम है। तो केस नंबर वन में क्यू क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर वन इंटू 5 मिनट लगे, सॉल्व करके आर वन आ गया। दूसरे केस में वी स्क्वायर बाय आर टू इंटू 10 मिनट लगे, क्यू सेम है, वी सेम है, आर टू आ गया। तीसरे केस में क्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर वन प्लस आर टू इंटू टी, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो यहां से टी आ गया। आर वन की जगह ये वैल्यू, आर टू की जगह ये वैल्यू को पुट किया, क्यू क्यू वी स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 900 सेकेंड। राइट आप एक काम करें, अपना फॉर्मुला रजिस्टर जरा ओपन करें और ये दो शॉर्टकट लिखें, इस टाइप की प्रॉब्लम गलत हो ही सकती है, एक सेकंड में आंसर आएगा। लिखें कि केटल वाली प्रॉब्लम है ये, केटल वाली प्रॉब्लम में जब कॉइल्स किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज में, ठीक है। तो केस नंबर वन क्या बनेगा, केस नंबर वन बनेगा कि वाटर को गर्म करने के लिए क्यू हीट चाहिए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर वन इंटू टाइम टी वन, तो यहां से क्या आ गया, आर वन की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर बाय क्यू इंटू कितना, टी वन, ठीक है। केस नंबर टू में रेजिस्टेंस कॉइल आर टू ऑन करेंगे, वी सेम है, क्यू सेम है, टाइम क्या आ गया, टी टू, सीधा लिख दिया टी टू। और जब सीरीज में केस नंबर थ्री में लगाएंगे तो केस नंबर थ्री में रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू का सम, आर वन एंड आर टू का सम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय क्यू इंटू क्या आएगा, टी। रेजिस्टेंस चेंज हो गई, आर वन और आर टू सीरीज में है और टाइम टेकन भी चेंज हो गया। एक काम करते हैं, आर वन की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, वी स्क्वायर बाय क्यू इंटू टी वन, वी स्क्वायर बाय क्यू इंटू कितना, टी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय क्यू इंटू कितना, टी। तो ये सब कैंसल, तो टी किसके इक्वल आ गया, टी वन प्लस टी टू। फॉर्मूला सबसे यही लगेगा। आज के बाद अगर पहली क्वाइल ऑन होती है तो 5 मिनट लगते हैं, दूसरी क्वाइल ऑन होती है तो 10 मिनट लगते हैं, दोनों क्वाइल ऑन होती है तो शॉर्टकट बोलो 5 + 10 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 सेकेंड आंसर। कोई प्रूफ नहीं, कोई मैथ्स नहीं लगाना उसमें, सीधे शॉर्टकट लगाएंगे आज के बाद, सीधा सही है। यहां तक सबसे काम की चीज यही है, कम से कम ये पेपर में तो आई जाए यार, कम से कम इसको तो ठीक करें, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लास्ट प्लीज ये लिख लें, अगर ये क्वाइल्स किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, ये सेम, ये केस सेम, पैरेलल में यहां फर्क पड़ेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू नहीं रहेगा ना, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, बोलो पैरेलल में क्या होता है, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। तो आर वन और आर टू की वैल्यू यहां से पुट करेंगे और इसे जब पुट करके सॉल्व करेंगे तो सीधा शॉर्टकट लिखो, टाइम का फॉर्मूला आएगा टी वन इंटू टी टू बाय टी वन प्लस टी टू, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाय टी इज इक्वल टू वन बाय टी वन प्लस वन बाय टी टू। कल को अगर तीन कॉइल्स हो जाए तो वन बाय टी थ्री भी ऐड कर देना, ये शॉर्टकट लिख ले सिर्फ। पैरेलल में कैटल चलेगी तो ये टाइम, और सीरीज में चलेगी तो टी वन प्लस टी टू टाइम, डन, सही है ना। तो आज के बाद कैटल का क्वेश्चन आ गया, एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा, तो लिखो शॉर्टकट, है कि नहीं फॉर्मूला रजिस्टर काम की चीज, फटाफट जब रिवाइज करोगे एक मिनट में आंसर आ जाएंगे। बाकी शीट जो भी दी वो होमवर्क है,
तो आपने वो होमवर्क की फॉर्म में करके आनी है, तो नेक्स्ट टाइम इसको हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट